मगरमच्छ पृथ्वी पर सबसे आकर्षक और प्राचीन जीवों में से एक है। ये उल्लेखनीय सरीसृप लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, मनुष्यों के युग से बहुत पहले। वे सरीसृप नामक समूह से संबंधित हैं, जिसमें सांप, छिपकली और कछुए शामिल हैं। आइए मगरमच्छों की रोमांचक दुनिया में गोता लगाएं और उनके बारे में सब कुछ जानें। मगरमच्छ दुनिया भर में गर्म स्थानों पर रहते हैं। वे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जा सकते हैं। वे नदियों, झीलों और दलदलों जैसे मीठे पानी के आवासों को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ मगरमच्छ समुद्र के पास खारे पानी में भी रह सकते हैं। मगरमच्छों को गर्म जलवायु पसंद है क्योंकि उनका शरीर खुद से गर्मी नहीं बना सकता। उन्हें गर्म रहने के लिए सूरज की जरूरत होती है। मगरमच्छों के लंबे, मजबूत शरीर सख्त, पपड़ीदार त्वचा से ढके होते हैं। यह त्वचा उन्हें खतरे से बचाती है और उन्हें अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने में मदद करती है। उनके मुंह तीखे दांतों से भरे होते हैं, लगभग 80 दांत। ये दांत उन्हें अपना भोजन पकड़ने और खाने में मदद करते हैं। मगरमच्छों की पूंछ बहुत शक्तिशाली होती है, जिसका उपयोग वे तैरने और खुद की रक्षा करने के लिए करते हैं। मगरमच्छ पानी में बहुत समय बिताते हैं। वे बहुत अच्छे तैराक होते हैं, अपनी पूंछ का उपयोग करके आसानी से पानी में तैरते हैं। उनकी आंखें और नाक उनके सिर के ऊपर स्थित होते हैं, इसलिए वे देख सकते हैं और सांस ले सकते हैं, जबकि उनका अधिकांश शरीर पानी के नीचे छिपा रहता है। यह उन्हें बेहतरीन शिकारी बनाता है। मगरमच्छ मांसाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मांस खाते हैं। उनके आहार में मछली, पक्षी और छोटे जानवर शामिल हैं। कभी कभी वे हिरण जैसे बड़े शिकार को भी खा सकते हैं। मगरमच्छ धैर्यवान शिकारी होते हैं। वे पानी में छिप जाते हैं और चुपचाप तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि उनका शिकार उनके करीब ना आ जाए। फिर अचानक और शक्तिशाली छलांग लगाकर वे अपना भोजन पकड़ लेते हैं। मगरमच्छ बच्चे पैदा करने के लिए अंडे देते हैं। एक मादा मगरमच्छ पानी के पास एक घोंसला बनाती है और एक बार में लगभग 20 से 60 अंडे देती है। वह अपने अंडों को शिकारियों से बचाने के लिए घोंसले के पास ही रहती है। जब अंडे फूटने के लिए तैयार होते हैं, तो बच्चे मगरमच्छ, जिन्हें हैचलिंग कहा जाता है, छोटी छोटी चहचहाहट की आवाज निकालते हैं। माँ इन आवाजों को सुनती है और अपने बच्चों को घोंसले से बाहर आने और सुरक्षित रूप से पानी तक पहुँचने में मदद करती है। मगरमच्छ पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। वे अपने आवास में मछलियों और अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नदियों और झीलों के स्वास्थ्य के लिए यह संतुलन आवश्यक है। मगरमच्छों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है। बहुत से लोग मगरमच्छों से मोहित होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे डरते हैं क्योंकि वे खतरनाक हो सकते हैं। मगरमच्छों का सम्मान करना और जंगल में उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दुख की बात है कि कुछ मगरमच्छों का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल बैग, बेल्ट और जूते बनाने में किया जाता है। इससे मगरमच्छों की कुछ प्रजातियां लुप्त प्राय हो गई हैं। क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ डायनासोर के समय से ही मौजूद हैं? उन्हें कभी कभी जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे लाखों सालों में बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। मगरमच्छ कई चुनौतियों से बच गए हैं, जिनमें डायनासोर का विलुप्त होना भी शामिल है, और वे आज भी अपने आवासों में पनप रहे हैं। मगरमच्छों के बारे में कुछ मजेदार तथ्य हैं। मगरमच्छ पानी के अंदर एक घंटे से ज्यादा समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। उनका काटना जानवरों के साम्राज्य में सबसे मजबूत काटने में से एक है। मगरमच्छ अपना खाना चबा नहीं सकते। वे मांस के बड़े टुकड़ों को पूरा निगल जाते हैं। वे गुर्राहट, फुफकार और दूसरी आवाजों का इस्तेमाल करके संवाद करते हैं। कुछ मगरमच्छ 20 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं।
मगरमच्छ प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। दुर्भाग्य से खेती और निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण उनके घर नष्ट हो रहे हैं। कई संगठन मगरमच्छों और उनके आवासों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मगरमच्छों के बारे में सीखकर और पर्यावरण में उनकी भूमिका का सम्मान करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये अद्भुत जानवर आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहें। मगरमच्छ अनोखी क्षमताओं वाले अविश्वसनीय जीव हैं और पृथ्वी पर उनका लंबा इतिहास है। उनके तीखे दांतों से लेकर उनकी मजबूत पूंछ तक मगरमच्छों के बारे में सब कुछ उन्हें जीवित रहने में मदद करने के लिए बनाया गया है। इन प्राचीन सरीसृपों को समझकर और उनका संरक्षण करके हम प्रकृति को संतुलित रखने में उनकी भूमिका की सराहना कर सकते हैं।